सिक्किम पर खीरी जिले के कस्बा जंग बहादुरगंज में युवा मोर्चा के बरबर मंडल अध्यक्ष शिवम मिश्रा के नेतृत्व में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर कस्बा जंग बहादुरगंज में सैकड़ों लोगों के साथ शांति व्यवस्था व लोगों को नागरिक संशोधन अधिनियम के बारे में जागरूक करने के लिए पैदल पद यात्रा की गयी। कार्यक्रम का संचालन कवि सुनीत वाजपेयी ने किया। युवा मोर्चा के बरबर मंडल अध्यक्ष शिवम मिश्रा ने बताया कि जहां पूरे देश CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर हो रहे बवाल आगजनी को लेकर कार्यकर्ताओं से बातचीत कर लोगों से कहा कि यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यह कानून सिर्फ नागरिकता देने के लिए है, किसी की भी नागरिकता छीनने का अधिकार नहीं है। यह कानून सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने बरसों से बाहर उत्पीड़न का सामना किया और उनके पास भारत आने के अलावा और कोई जगह नहीं है। इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के कारण वहां से आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन, बौद्ध धर्म को मानने वाले शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी।